तो आ गए सब लोग। हाँ गुड गुड, तो अभी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग दोस्तों, वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे वीडियो पे चांद चांद लगा देता है। ऐसे में बात आती है भाई, कौन सी आप बेस्ट है वीडियो को एडिट करने के लिए जिसमें वाटरमार्क नहीं आनी चाहिए, आर्ट नहीं शो होनी चाहिए, काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर की तरह। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप्स जिसमें वाटरमार्क नहीं आएगी। सो अभी हम देखते हैं क्या क्या बेस्ट 5 ऐप्स है जिसमें वाटरमार्क नहीं आता है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र, आप लोग देख रहे हो बीटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को शुरू होने से पहले एक बात बताऊंगा, अगर आप पहली बार विजिट को हमारे चैनल पे, तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मिस किए बिना वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऐप्स है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की ऐप जो कि है VN वीडियो एडिटर। दोस्तों ये जो VN वीडियो एडिटर है, ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऐप है। अगर आप YouTube के लिए वीडियो एडिट करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऐप है। इससे दोस्तों आप फ्रीली वीडियो को एडिट कर सकते हो हाई क्वालिटी के साथ। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है, यहाँ पे आप म्यूजिक भी लगा सकते हो, टाइटल सबटाइटल भी ऐड कर सकते हो वीडियो में। इसमें आपको मल्टी लेयर की फीचर मिल जाता है, मतलब मल्टीपल लेयर को आप एडिटिंग कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स भी मिल जाता है, इसमें आप टेम्पलेट को यूज़ करके, दोस्तों अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसमें आप टेम्पलेट को यूज़ करके अपनी वीडियो को बस थोड़ी वक्त कुछ क्लिक के अंदर अपने वीडियो को अच्छा खासा एडिट कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको फिल्टर के ऑप्शन मिल जाता है, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, दोस्तों बैकग्राउंड को इसमें चेंज कर सकते हो, वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हो, मिरर यहाँ पे आपको मिल जाता है, मिरर कर सकते हो, वीडियो को फ्लिप कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, जूम कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। दोस्तों इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऐप में होनी चाहिए या एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को चाहिए ही। दोस्तों अगर आप VN को सही में इस्तेमाल करना सीख जाते हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो, तो आप इसमें अच्छे खासे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो हाई क्वालिटी के साथ। और दोस्तों ये VN के अंदर आपको कोई भी आर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसकी जो UI है पूरी क्लीन है और ये प्रोफेशनल लुक देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में जो कि InShot। दोस्तों ये InShot जो ऐप है, इसको आप ऑल इन वन ऐप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, फोटो भी एडिट कर सकते हो और कोलाज भी बना सकते हो। इसमें आपको 3 फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों ये जो ऐप है, इसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको रेशियो भी चूज कर सकते हो, कितनी साइज की आपकी वीडियो होनी चाहिए, 1:1, 4:5, 6:9, किसके लिए आप बना रहे हो, YouTube के लिए बना रहे हो या Instagram के लिए बना रहे हो वीडियो, कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हो, यहाँ पे सारी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो वीडियो, यहाँ पे ये जो फीचर ये मुझे काफी अच्छा लगा, स्टिकर। दोस्तों यहाँ पे आप स्टिकर ऐड कर सकते हो, इमोजी ऐड कर सकते हो, फायर वाला स्टिकर ऐड कर सकते हो, जो भी स्टिकर आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आप स्टिकर भी ऐड कर सकते हो वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में टेक्स्ट लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो की बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, वीडियो की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो, वीडियो की अनवांटेड पार्ट्स को आप क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे आप वीडियो की वॉल्यूम है वॉल्यूम को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, फ्लिप, रिवर्स। दोस्तों यहाँ पे और एक फीचर मुझे जो अच्छा लगा, ये जो ऑडियो वाला फीचर है। दोस्तों आप जो ऑडियो है, इसमें आप इफेक्ट्स लगा सकते हो, यहाँ पे आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज करके एक अच्छे खासे वीडियो आप एडिट कर सकते हो, वो भी विदाउट वाटरमार्क। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं तीसरे नंबर की वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में जो कि UCut। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कोई भी ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा एडिटिंग के टाइम पे, और इसमें आपको वाटरमार्क भी नहीं आएगा। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। दोस्तों अगर आप एक प्रो लेवल के एडिटर नहीं हो, दोस्तों अगर आप आसानी से वीडियो एडिटिंग को समझना चाहते हो तो ये एडिटिंग ऐप आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों इसका जो UI इंटरफेस है बहुत क्लीन है, इसमें आप बहुत आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हो, इसमें आपको ट्रिम मिलती है, स्प्लिट मिलती है, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और भी काफ़ी फीचर्स मिल जाता है। इसका UI इंटरफेस जो है पूरी क्लीन है, इसमें आपको बहुत आसानी से आप वीडियो एडिटिंग इसमें सीख सकते हो। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो को आप ट्रिम कर सकते हो, वीडियो की कलर को आप एडजस्ट कर सकते हो और वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो को भी आप चेंज कर सकते हो, 16:9 कर सकते हो, 9:13 कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है आप कर सकते हो।
दोस्तों ये आपको मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ दोस्तों, इसका दो फीचर्स के लिए मैं आपको ये आप रिकमेंडेड कर रही हूँ दोस्तों। इसका दो फीचर्स ये है कि पहला हो गया वीडियो को आप जब आप वीडियो को एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो तब भी आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते, वीडियो को आप कंप्रेस कर सकते हो, वीडियो को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3GB में कन्वर्ट कर सकते हो, HD फुल HD में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और दोस्तों एक फीचर मुझे इसमें अच्छा लगा, आप इसमें स्लाइड शो बना सकते हो, मतलब कुछ फोटो को आप इंपोर्ट करके इसमें बहुत आसानी से स्लाइड शो बना सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं चौथा नंबर की वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में जो कि है सुपर स्टूडियो। दोस्तों ये जो ऐप है इसको आप किंग ऑफ वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी बोल सकते हो, इसमें इतना फीचर्स है इसको आप किंग भी बता सकते हो। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन म्यूजिक सुन सकते हो, इसमें दोस्तों आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, वीडियो में म्यूजिक लगा सकते हो, वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, वीडियो को मर्ज कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, इमेज टू वीडियो कर सकते हो, बहुत तेज है भाई। इसमें आप वीडियो की स्पीड को भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसमें आप वीडियो को रोटेट कर सकते हो, वीडियो को इसमें आप क्रॉप कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हो, वीडियो में मोजैक भी डाल सकते हो, वीडियो की वॉल्यूम को एडजस्ट भी कर सकते हो, वीडियो से वाटरमार्क भी हटा सकते हो। ओ भाई वाह, मतलब एक थ्री एडिटिंग ऐप में इतना सारा फीचर्स दे रहा है, वाटरमार्क भी आप रिमूव कर सकते हो उसमें, भाई और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ मुझे तो है, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं पांचवें नंबर की वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में जो कि ब्लॉग है। दोस्तों ये जो ऐप है इसको मैं पांचवें नंबर पे क्यों रखूं आपको पता है, ये जो ऐप है ये हमारा बड़ा भाई फिल्मोरा जो कंप्यूटर में चलता है उसका छोटा भाई है। हाँ फिल्मोरा बड़ा भाई, ये छोटा भाई है, क्योंकि ये जो ब्लॉग ये जो ऐप है ये फिल्मोरा के कंपनी की तरफ से आता है, और ये फिल्मोरा के जैसे इसका लोगो भी है और ये फिल्मोरा का छोटा भाई भी है। दोस्तों इसका जो इंटरफेस है ये काफ़ी बढ़िया है और एक कूल इंटरफेस है, और इसमें आपको कोई भी आर्ट या कोई भी वाटरमार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, स्टिकर ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप वीडियो में आप म्यूजिक डाल सकते हो, वीडियो की जो ऑडियो है ना इसमें आप इफेक्ट्स डाल लगा सकते हो, वीडियो में वॉइस ओवर कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रांजिशन लगा सकते हो, जो एक क्लिप से दूसरे क्लिप को जाता है ना ऐसे घूम के ऐसे उठ के, वही वाला ट्रांजिशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, वीडियो की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो में फिल्टर ला सकते हो, वीडियो में कलर करेक्शन कर सकते हो, इसकी कंट्रास्ट ब्राइटनेस सेचुरेशन इसको आप घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, यही है इसकी फीचर्स, और क्या चाहिए आपको। हाँ और भी बहुत सारे फीचर है, ट्रिम कर सकते हो वीडियो को, कट कर सकते हो। दोस्तों ये ब्लॉग इट ये आप मैं क्यों आपको रिकमेंड करूँ आपको पता है, क्योंकि ये जो फिल्मोरा है इसका छोटा भाई है, और इसका जो इंटरफेस इतना क्लीन है आप सही में वीडियो को एडिट कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसलिए मैं आपको ये जो ब्लॉग है इसको मैं आपको रिकमेंडेड कर रही हूँ। तो दोस्तों ये था आज की पूरी वीडियो, जिस वीडियो में हमको पता चला बेस्ट 5 वीडियो एडिटिंग ऐप्स के बारे में जिसमें वाटरमार्क नहीं आता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको ही थोड़ा पता चले कौन सी ऐप बेस्ट है जिसमें वाटरमार्क नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो करती हूँ एंड करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो करते हुए एंड, फिर मिलता हूँ अगले कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।